सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल उत्तरांचल बर्ड्स को और दबाना ना भूलें इस बेल आइकन को, जिससे मिले मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं, जो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो बेबी पैरट हैं वो किस तरह से वॉक कर रहे हैं। ये बेबी पैरट मेरे जो हैं ये फर्स्ट टाइम वॉक कर रहे हैं मेरी एक्टिविटी पर। इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने पैरेट को अच्छे से फीड करा दीजिए। फीड कराने के बाद इन्हें आप खुले जगह पर इन्हें छोड़ दीजिए और आप कोई साउंड प्रोड्यूस करिए अपने मुंह से, या विसिल बजा सकते हैं। जैसा कि मैं टक 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 करके जब अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये उस साउंड जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस तरह की एक्टिविटी आप ज़रूर रखिए। इससे तो ये देखिए कितने ऑसमली ये वॉक कर रहा है। इसका एक तो फ़ायदा ये रहे होगा कि हमारे जो बेबी पैरट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे, उनकी एक्सरसाइज नेचुरल एक्सरसाइज हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से मेरी तरफ आया, फिर इसका जो साथ एक दूसरा बेबी पैरट जो छूट गया उसके पीछे, ये उसके करीब जा रहा है उसे लेने के लिए, उसे बुलाने के लिए। आपको करना ये है कि आप कोई साउंड प्रोड्यूस करिए तो ये उस साउंड पे रिएक्ट करेंगे। ये फर्स्ट टाइम मेरे बेबी पैरट्स वॉक कर रहा है, ये इनकी एक्टिवनेस को शो करता है। जिस तरह से आप बेबी पैरट्स को देख रहे हैं, इनके फैदर पूरी तरह से नहीं निकले हैं। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपनी यूट्यूब पर डाली थी, उसमें कई मेरे भाई लोगों का कमेंट आया कि भाई आपके जो बेबी पैरट है काफ़ी कमज़ोर हैं, आप उन्हें अच्छे से खिलाइए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से फीड कर रहा हूँ। और इनके जिस तरह से ये वॉक कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे जो बेबी पैरट हैं वो कितने एक्टिव हैं। कई भाई लोग मैंने वीडियो में देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने बेबी पैरट को फीड कराते हैं और उसके बाद वो जो बॉक्स वगैरह जो होता है, जैसे कार्टून बॉक्स में वो लोग उसे रखते हैं। कार्टून बॉक्स में रखना तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें उन्हें काफ़ी गर्मी वगैरह मिलती है और ठंडे बचे रहते हैं। लेकिन कई लोग भाई ये करते हैं कि पहले उन्हें फीड कराया, उसके बाद जस्ट उन्होंने फीड कराया और उन्हें उसे कार्टून बॉक्स में रखा और ऊपर से पैक कर दिया। होता ये है कि जब उन्हें फीड करा देते हैं उसके बाद वो लोग पॉटी वगैरह करते हैं हमारे बेबी पैरट, और होता ये है कि अमोनिया गैस जो उनकी पॉटी से प्रोड्यूस होती है वो उनके आइज़ को में इन्फेक्शन कर देती है। कई भाई लोगों की शिकायत रहती है कि भाई हमारे बेबी पैरट्स के आँखों से आंसू आ रहा है, या हमारे बेबी पैरट रो रहा है, क्राई कर रहा है, या उसके आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसका मेन कारण है जो वो है, हम लोग जो जिस बॉक्स वगैरह में उन्हें रखते हैं उसे पैक, उन्हें खिलाने के बाद उसे पैक कर देते हैं उनमें, उसी में, यही मेन कारण है। तो आप कोशिश करिए जब भी उसे आप फीड कराइए उसके बाद उसे कुछ खुले स्पेस में छोड़ दीजिए और किसी तरह का आप साउंड प्रोड्यूस करिए। होगा ये कि वो साउंड जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे और थोड़ा उसके करीब आने की कोशिश ये करेंगे। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स काफ़ी एक्टिव रहेंगे। ये देखिए मेरे पैरट फर्स्ट टाइम किस तरह से वॉक कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी तरह से आप भी अपने बेबी पैरट्स को ट्रेन कर सकते हैं। आप अभी से ट्रेन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इससे ये होगा कि इनके अंदर जो एक्टिविटी है मेंटेन रहेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल उत्तरांचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और किसी तरह का आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर मुझे कमेंट करके मुझे सजेशन वगैरह, या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।